मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अभी हम आ गए उदयपुर, ये अभी रास्ते पड़े, लग्जरी अंदर नहीं जाएगा, इसलिए हम ये रिक्शा करके जा रहे हैं। पूरा दिन घूमेंगे, क्या है क्या नहीं है सब देखेंगे। चलिए आज का सफर शुरू करते हैं दोस्तों। अभी हम आ गए हैं यहाँ पे वैक्स म्यूजियम पे, यहाँ पे सब रूम के बुकले बने हुए हैं। तो चलिए अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, अगर कैमरा अलाउड होगा तो, वरना तो उदय भवन पैलेस जाएंगे, वहाँ पे मस्त नज़ारा है, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वैक्स म्यूजियम में चलते हैं दोस्तों। ये है लेक, ये इंडिया का एक वन ऑफ द सिटी है जिसमें बहुत सारे लेक है, उदयपुर द लेक सिटी। तो ये अभी पहला लेक है, दूसरा था इधर साइड आगे था, उसका दरवाजा सब कुछ था। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं उदय भवन पैलेस, वहाँ पे मिलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं उदय भवन पैलेस, ये इसका एंट्री गेट है और अभी हम अंदर जा रहे हैं, टिकट चेकिंग होगा यहाँ पे। तो चलिए अंदर चलते हैं दोस्तों। ये रहा उदय भवन पैलेस, इसके पीछे तालाब है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये पूरा महाराजा उदय सिंह ने बनाया था, जो महाराणा प्रताप के फादर थे, उनके नाम पे ये उदयपुर नाम पड़ा है। ये है उदय भवन पैलेस, पूरा बहुत बड़ा है, हम देखेंगे, आपको भी दिखाऊंगा मैं। तो चलिए अभी तालाब देखते हैं, पूरा सिटी यहाँ से दिखता है। तो दोस्तों ये रहा पूरा सिटी उदयपुर, बहुत जगह पर फैला हुआ है, देखिए पूरा इधर भी है, ऐसा पूरा फैला हुआ है। ये लास्ट एंड है, इसके पीछे भी है। और अभी आप आओगे तो उदयपुर जरूर आना, बहुत ही वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, क्योंकि ये हमारे ही महाराजाओं की विरासत है, इसलिए गवर्नमेंट ने इधर पूरा क्लीन रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे पार्किंग से मैं शूट कर रहा हूँ, ये देखिए पूरा उधर आगे भी है, इधर भी, यहाँ से हमने एंट्री किया है। इसका आर्किटेक्चर देखिए आप, बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा पुराना हो गया है। ये सभी जगहों पे बना हुआ है, देखिए ये सभी दुकानें हैं, पूरी कल्चरल आइटम मिलती है, ड्रेस वे सब ले लो, घर में सजावट की आइटम है सब मिलती है यहाँ पे। और ये आगे मेन महल है उधर, उसके पीछे भी रानी का महल है, वो भी हम देखने जाएंगे। देखिए पूरा ऐसा बहुत ऊंचा है, ये शायद अभी बंद है क्योंकि पता नहीं, बोल रहे थे यहाँ पे नहीं है अभी चालू। ये देखिए पूरा, और ये पार्क बना हुआ है, इधर सभी जगहों पे हम बैठ सकते हैं, कुछ भी आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, या बच्चों के खेलने की जगह है यहाँ पे। ऐसी सभी दुकानें हैं, अलग अलग वैरायटी की, कहीं पे फोटो फ्रेम मिल रही है, कहीं पे कोई दुपट्टा साड़ी या और कुछ मिल रहा है, कहीं पे पूरा कुर्ता मिल रहा है, सभी जगह पे ये अवेलेबल है। और इधर पे उदयपुर की खासियत है, यहाँ पे बहुत ही स्वच्छता है, यानी कि क्लीन सिटी है ये। अभी ये देखिए पूरा कितना ऊंचा है, शायद ये 100 से 150 फीट होगा, उससे भी ऊपर होगा, मेरे अनुमान से 200 फीट के आसपास है ये, इस मंजिला इमारत तक का ऊंचा है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने बनाया था अपने पिताजी के सम्मान में उदय पैलेस। तो ये उदयपुर का वो जो नाम है वो उदयपुर इस उदय सिंह के नाम पे ही पड़ा है, और वहाँ पे हमारा तिरंगा लहराता हुआ। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 12:30, अभी 1.5 घंटा हम अंदर घूमे हैं, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, अभी आज नहीं है, लेकिन वैसे भी रहता है। तो चलिए आगे उदयपुर सिटी आपको दिखाते हैं, सिटी में क्या है क्या नहीं है, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। अभी दोस्तों ये उदयपुर की गलियाँ हैं, देखिए थोड़ी कंजेस्टेड है, पुराना सिटी है, इसलिए अभी हम वापस जा रहे हैं सिटी पैलेस के पास। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। दोस्तों ये लेक है, पहले वाला ही था, अभी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, देखिए पाइपलाइन डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, दोनों तरफ लेक है, क्योंकि ये लेक सिटी कहलाता है उदयपुर। तो अभी हम आ गए यहाँ पे राजा उदय सिंह उद्यान के पास, कैसा उधर बैठते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे, फिर खाना खाएंगे, उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों अभी हम घूम रहे हैं उदयपुर उद्यान में, छोटा सा उद्यान है ये, पर इधर हाईवे है, यहाँ पे घूम रहे हैं अभी,
15-20 मिनट लगेगा, इसके बाद जाएंगे दूसरी जगह पे। पता नहीं ये हमें वो रिक्शा वाले भैया वो लेके जाएंगे, अभी हम वहाँ पे जाएंगे, दूसरे लोग ऊपर हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अभी हम आ गए हैं फतेह सागर लेक के पास। तो अभी पूरा बड़ा लेक, इधर अंदर एक पैलेस है, वहाँ से बोट से जाना पड़ता है। वहाँ पे जो पॉइंट है बोट का, उधर से जाना पड़ता है और ऊपर एक महाराणा प्रताप का घोड़ा है। वहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। अभी ये पूरा एक फतेह सागर लेक है, वो देखिए आपको राइड्स दिखेगा, वो राइड्स कर रहे हैं। वहाँ पे जाने का टिकट क्या है पता नहीं है मुझे, अभी मैं पूछ लेता हूँ फिर बाद में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं राइडिंग करने के लिए, बोट राइडिंग। ये देखिए पूरा तालाब है इधर, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे 27 लोग हैं एक बोट में, सभी हमारे मेंबर्स हैं। दोस्तों ये अभी सभी हमारे मेंबर्स हैं। अभी चार लोग नहीं चल रहे हैं, उसको क्रिटिकल कंडीशन था, वो किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी को प्रेशर लो है, वो सब नहीं चल रहे हैं, बाकी सब चल रहे हैं। दोस्तों अभी ये हम बीच में पहुंच गए, यहाँ का राइड पूरा अलग है, दूसरी जगह से आता है। पता नहीं ये ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। पूरा एक पैलेस बना हुआ है यहाँ पे, एक बगीचा है, गार्डन है यहाँ पे, चारों तरफ उधर उधर बना हुआ है। इंडिया का लार्जेस्ट सिटी है, मतलब लेक सिटी है, जो पूरा लेक से भरा हुआ है। लगभग कितने है पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लेक है। इंडिया का वन ऑफ द सिटी है जिसमें लेक है बहुत सारे। चारों तरफ पूरा मंदिर सब बना हुआ है। यहाँ पे एक खासियत है कि यहाँ पे पूरा ऐसा चारों तरफ से वो बना हुआ है, माउंटेन्स के बीच में गिरा हुआ है उदयपुर। राइडिंग कर ली, इसमें दो ऑप्शन है, एक फास्ट बोट है स्पीड बोट, और ये नॉर्मल है। नॉर्मल का 118 रुपये चार्ज है पर पर्सन, और स्पीड बोट का एक का 230 रुपये है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी आज है लास्ट डे का, और अभी उदयपुर से हम आ गए ऊंझा। उन्हें माता जी का मंदिर है वहाँ पे, और दर्शन करके फिर बाद में जाएंगे अंकुश वाटर पार्क में नहाने के लिए। देखते कैसा है, ज़्यादा ठंडा होगा तो नहीं नहाएंगे, और फिर चले जाएंगे डायरेक्ट घर कट में। और अभी हम यहाँ पे नहाने के लिए आए थे, पूरा जनरल वार्ड है ये, पानी अच्छा है, गर्म आ रहा है, लेकिन अभी वाटर पार्क पर जाएगी तब पता चलेगा वहाँ पर कितना ठंडा पानी है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, पहले दर्शन करके उसके बाद वहाँ पे जाएंगे। दोस्तों अभी हम हैं उमिया माता जी के मंदिर ऊंझा, बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत पुराना है, 100-200 साल पहले बना था। ये 52 शक्तिपीठों में से एक है, जो इंडिया में पूरा 52 शक्तिपीठ है उसमें से एक ये शक्तिपीठ है, इसलिए बहुत पुराना है। तो अभी हमने दर्शन कर लिए, अभी हम जाएंगे लग्जरी के पास नाश्ता करने के लिए, उसके बाद जाएंगे शंकुश वाटर पार्क में। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा उमिया माता जी उमिया संस्थान का पूरा परिसर है, इधर इसका ऑफिस है, उधर प्रसाद और विश्रांति भवन गेस्ट हाउस के लिए बुकिंग है, इधर ये LED लगा हुआ है, वो सब खाने का भोजनालय है, ये हो रहा। और नीचे थोड़ा फाउंटेन जैसा बना हुआ, अभी तो फिलहाल बंद है,
दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है। और सामने एक विश्रांति भवन है, यानी कि संस्था का गेस्ट हाउस है। ये मंदिर बने हुए छोटे छोटे, इधर ये रहा पूरा फाउंटेन, फिलहाल बंद है, थोड़ा कचरा वचरा हो गया क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई उत्सव आता है नवरात्रि हो तो वो चालू करते हैं ये लोग। ये ऊपर पूरा बिल्डिंग बना हुआ है विश्रांति भवन, और यहाँ पे एटीएम है मैसाणा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। और ये पूरा मंदिर का परिसर, अंदर की साइड पूरा बाउंड्री बना हुआ है। तो चलिए अभी चलते हैं नाश्ता करने के लिए, और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।